हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वी बी ब्लॉक ट्यूब। और आज का प्लान है, आई एम गोइंग टू रिपेयर माय डोमिनार के शॉक अब्जर का सिल। आई मीन इफ यू कैन सी, यहाँ पे ऑलरेडी लीक होना शुरू हो चुका है मेरे डोमिनार के जो शॉक अब्जर का जो सील रहता है, वो तो शायद लीकेज हो रहा है। अभी तो काफ़ी ये जस्ट शुरुआत है, लेकिन अगर ये मैंने ऐसे ही रख दिया तो कहीं मैं राइड में जाता हूँ तो वहाँ पे इशू हो सकता है, और इसमें डस्ट वगैरह चिपक जाती है, तो वो डस्ट से ये रॉड पे जल्दी क्रैक आना शुरू होता है, एंड देन आई हैव टू रिप्लेस होल रॉड। तो इसके लिए मैं ये आज सील चेंज करने जा रहा हूँ, तो इसका मैं एक वीडियो कैप्चर करूँगा आज, सो प्लीज चेक इट आउट। So I am at now SK Auto Care, सुशांत भाई का गैरेज है ये। सो यहाँ पे अभी अपनी गाड़ी चढ़ाई है और we will start now. So as I said, we will change this seal. तो यहाँ पे अभी हमें दोनों शॉक अब्जर का चेंज करना पड़ेगा, किसी एक शॉक अब्जर का नहीं होता है चेंज। सो प्लानिंग टू पुट रबर ऑन दिस पार्ट। सो ये एक्चुअली मैंने रॉयल एनफील्ड के रबर्स मंगाए है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो पार्ट नंबर भी दिख रहा है। सो अगेन आई एम नॉट श्योर वेदर इट विल फिट और नॉट, तो हम जब ये करेंगे तभी यू विल ट्राई। दिस इज़ समथिंग न्यू सेटअप जो कि सुशांत भाई ने अपने यहाँ पे बना के रखा है, कि जब ये टायर निकलेगा तो इससे आगे की तरफ बैलेंसिंग किया जाएगा। तो इसके पहले वी नीड टू रिमूव ये वाला स्क्रू, इसके बाद निकलेगा ये मड गार्ड। यहाँ पे एक और एक स्क्रू है, ये भी निकलेगा और फिर टॉप से हम इसको निकालेंगे। सो ये पूरी असेंबली निकालने के लिए ये हमें चार स्क्रूज निकालने हैं। These are the seals for both the forks. ये अभी अपन ओपन कर रहे हैं। कोल्ड ड्रेन करने के लिए छोड़ देंगे। सेम प्रोसेस विल डू विद द अनदर फोर्क। ये हमने अभी ड्रेन के लिए रखा है। मीनवाइल इसमें आते हैं एक फोर्क में 9 पार्ट्स, जिसमें से अभी ऑलरेडी 3 हमने यहाँ पे निकाल के रखे हैं, और इसमें रहेंगे बाकी के पार्ट्स जो जब निकलते हैं सारे पार्ट्स। आई शो यू। सो दीज आर दी ओल्ड ऑयल सील्स एंड दीज आर द न्यू वन, जस्ट अनबॉक्स्ड इट। अभी ये इसको इंसर्ट करेंगे, फिर निकालने के बाद प्रॉपर तरीके से क्लीन करना है हमें। ये है शॉक अब्जर के अंदर का पिस्टन, इसको भी क्लीन करके लेंगे हम। सो वी आर चेकिंग कि ये पाइप भी सही तरह से है, अच्छी पोजीशन में है या नहीं, क्योंकि अगर कुछ इस पर स्क्रैच गया है या कुछ ख़राब हुआ है तो हमें ये पूरा पाइप चेंज करना पड़ता है। सो फिलहाल तो मेरा वाला अभी अच्छा है,
इनका न्यू सील। ये दोनों है नए सील पैक। तो ओवरऑल हमारे इतने सारे पार्ट्स बाहर निकले हैं। आई पिस्टन, ये वॉशर्स, ये लॉक है, और ये पाइप, मेन पाइप, एंड दीज आर द न्यू सील्स। नाउ असेंबल कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट स्टेप। इसको टाइट करके लेंगे। पहला वॉशर प्रॉपर हमने प्रॉपर तरीके से क्लीन करने के बाद सेकंड स्प्रिंग भी हम कर रहे हैं क्लीन। अभी बिफोर ऑयल हम इसके अंदर स्प्रिंग इंसर्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर का वॉशर। रेजिस्टेंस इस तरह से सेटअप रेडी है। सिमिलरली फॉर सेकेंड शॉक बहुत आर रेडी नाउ। अभी इसके अंदर जाएगा ऑयल। सो दिस इज द ऑयल जो कि 400 ml जाएगा एक शॉक में। फ्रंट स्टैंड लगाए थे जब ये चेंज करने के लिए, वो निकालने के बाद अभी ये रबर प्रॉपर तरीके से फिट हुआ है। इफ यू कैन सी प्रॉपर तरीके से इसको पुश किया तो ये निकलने के चांसेस कम है। तो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर फोर्क असेंबली, वी हैव चेंज द सील। मेरी बाइक अभी कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, सारे काम हो चुके हैं और अभी क्लीन भी हो चुकी है मेरी बाइक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है वीडियो, सो प्लीज़ हिट लाइक बटन, प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर।